बॉलीवुड की लोलो करिश्मा कपूर इन दिनों बॉलीवुड टाउन नहीं, टीवी टाउन भी नहीं, बल्कि चर्चा में है लगातार ही अपने एक वेब सीरीज को लेकर। वो वेब सीरीज है मेंटल हुड, जिसे लेकर लगातार ही करिश्मा कपूर ने अपने आप को बनाए रखा है। जी हाँ, करिश्मा जो रियल लाइफ में भी मदरहुड कर रही है एंजॉय, उस करिश्मा कपूर के बारे में ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ करिश्मा सिंगल मदर एंजॉय करती भी अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए, जी हाँ सुरक्षा के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके बेस्ट से बेस्ट फ्यूचर के लिए खुद की लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाई। तलाक के बाद संजय कपूर से अलग होने के बाद जिन्होंने कभी भी सेकेंड मैरिज को लेकर अपनी तरफ से इच्छा जाहिर नहीं की, उस करिश्मा ने आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया? जी हाँ, अब इसे मर्जी कहे या मजबूरी, करिश्मा ने यह फैसला बड़ा ही सोच समझ कर लिया था। जब बात उनकी ही नहीं उनके बच्चों की परवरिश को लेकर भी सवाल उठा, तो उन्होंने अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ जाने का फैसला ले लिया था। बताना चाहेंगे हम आपको, काफी ज्यादा करिश्मा कपूर इस बात से अनजान थी कि जिस बिजनेसमैन संजय कपूर से वो शादी कर आगे जिंदगी बढ़ा रही हैं, घर बसा चुकी हैं, वो संजय कपूर उनके जिंदगी में उनके सम्मान की परवाह नहीं करते। बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, 90 के दशक में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस करिश्मा, जो कि स्टार फैमिली से ताल्लुकात रखती थी, खुद बबीता उनकी माँ भी एक एक्ट्रेस रही, रणधीर कपूर तक सब बॉलीवुड के बड़े सितारों के बीच पली बढ़ी है। शोआराम की जिंदगी जीने वाली करिश्मा ने जब बिजनेसमैन के साथ शादी की तो उनकी फैमिली ने उनकी सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर देखते हुए उनकी शादी संजय से कराई, लेकिन इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि संजय अपना रूप बदल देंगे शादी के बाद। करिश्मा ने एक बार एक इंटरव्यू में अपने तलाक को लेकर कई रीजंस बताए थे। उनके साथ गिले शिकवे के बारे में अपना दर्द बयां करते हुए करिश्मा कपूर ने बताया था, जब प्रेग्नेंट थी करिश्मा कपूर, जी हाँ प्रेग्नेंट थी करिश्मा कपूर, तब संजय ने अपनी वाइफ करिश्मा को अपनी माँ की ड्रेस को दिया पहनने के लिए। वो चाहते थे कि उनकी माँ जो लेकर आई थी वो ड्रेस करिश्मा पहने, लेकिन जैसे ही करिश्मा उस ड्रेस को कैरी करती नजर आई, उस ड्रेस में वो बिल्कुल भी फिट नहीं थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन इस बात से अनजान संजय कपूर, जी हाँ संजय कपूर, ये देख बेहद नाराज हो गए। प्रेग्नेंट करिश्मा पर ड्रेस जब नहीं जचा, और इसी वजह से करिश्मा काफी ज्यादा नाराज भी हुई। करिश्मा कपूर से खफा, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड संजय ने अपनी माँ को इशारा किया कि वो करिश्मा पर हाथ उठाए, जी हाँ तमाचे जड़ने के लिए, हाथ उठाने के लिए। पति ने ही ऐसा कह दिया। इस बारे में करिश्मा ने एक इंटरव्यू बताया था, आपको बताना चाहेंगे। हालांकि उस इंटरव्यू के बीच हम आपके बीच इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। आपको बताना चाहेंगे, करिश्मा कपूर ने तब बताया था कि इस बिहेवियर से वो काफी परेशान थी। करिश्मा के साथ ना सिर्फ दुर्व्यवहार करते थे संजय कपूर, बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसा करने के लिए मजबूर करते थे। करिश्मा कपूर जान चुकी थी कि उनकी माँ की चुप्पी करिश्मा कपूर के खिलाफ बोलने के लिए काफी है, और यही कारण है कि करिश्मा कभी भी अपने हस्बैंड संजय कपूर को दोबारा प्यार नहीं दे पाए, उनके लिए सम्मान दिल में नहीं रख पाई, और तुरंत के तुरंत फिर उन्होंने मन बना लिया कि वो तलाक लेकर रहेंगी। तलाक के बाद ये सारे राज से पर्दे जब उठे तो करिश्मा के दीवाने, उनके फैंस, उनके लाखों करोड़ों फैंस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए। करिश्मा कपूर के सपोर्ट में करोड़ों फैंस ही नहीं, उनके परिवार वाले थे, उनकी कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे जिन्होंने करिश्मा को इस फैसले के लिए हमेशा ही हिम्मत देने की कोशिश की, और यही कारण है कि आज करिश्मा काफ़ी खुश है, अकेली है, लेकिन अपनी जिंदगी में बेपरवाह, किसी के बिना काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो जाना आपने करिश्मा से जुड़ी ये बात, फिलहाल के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, लौटेंगे जल्द आपके बीच नेक्स्ट 9 न्यूज़ के अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।